वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ आज मैं आपके लिए कुछ और चीज़ लाई हूँ। वो ये है कि मेरी जो बिल्लियाँ हैं, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी आपको बताई थी मैं बिल्लियों को खाना कैसे खिला, तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं मेरी बिल्लियों को खाना किस तरीके से खिलाती हूँ, उस चिकन को मैं कैसे खिलाती हूँ, किस सफाई से खिलाती हूँ, और आप लोग भी देखें कि उस तरीके से उन बिल्लियों को चिकन खिलाए ताकि वो बीमार ना पड़े, उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि वो लोग बहुत नाजुक होते हैं अंदर से। तो हमारा काम है, अगर हम पाल रहे हैं तो उनका ख्याल पूरे अच्छी तरीके से रखें। और चलिए देखते हैं के बिल्लियों का चिकन मैं कैसे धोती हूँ और सफाई से रखती हूँ और पकाती कैसे हूँ उन लोगों को, ये सब देखते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरा साथ दीजिए। आइए चलिए, ये मेरे बिल्लियों का चिकन है। अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद में अब मैं इसको देखिए पूरा इतना अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ, और फिर इन लोगों को मैं गरम करती हूँ नमक डाल के, और फिर मेरे बिल्लियों को मैं खाना खिलाती हूँ। तो मुझे इतनी सफाई से उन लोगों को डालना पड़ता है, नहीं तो वो लोग बीमार हो जाते हैं। और जिसके भी पास बिल्लियाँ हैं वो भी लोग भी इसी तरीके से उन लोगों को खाना खिलाएं ताकि उन लोग बीमार ना हो, और कच्चा चिकन ना डालें, पका हुआ ही चिकन डालें। कच्चा चिकन खाने से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो पका करके चिकन डालें और उन लोगों को खिलाएं। चलिए, हाँ तो आपने उन्होंने देखा कि मैंने चिकन किस तरीके से धोई, और उसको धोने के बाद में किस तरीके से उसको पकाना चाहिए, अच्छे तरीके से उबालना चाहिए, इसमें थोड़ा नमक डालना चाहिए और उस तरीके से इसको पकाना चाहिए। देखिए तो देखें आपने, मैं इस तरीके से चिकन पकाती हूँ और मेरी बिल्ली को खिलाती हूँ। आप भी उसी तरीके से चिकन पकाइए और खिलाइए, उनका ख्याल रखिए। अगर आप पालते हैं तो उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखिए, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है। उनको हम अगर पाल रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखें, उनको अच्छे तरीके से खाना दें। और देखिए आप लोग भी बिल्लियाँ पालें और उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। चलिए अब मैं अगली वीडियो में जब मैं आऊँगी तो मैं रेसिपी लेकर आऊँगी। मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको अपनी बिल्लियों के बारे में कुछ बताऊँ, कुछ समझाऊँ। बहुत से लोग बिल्लियों की बहुत बेकदरी करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ बिल्लियों को परेशान मत ना करें, उनको संभालें, उनको खिलाए पिलाए और उनका ख्याल रखिए। चलिए अस्सलाम वालेकुम, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और आप सब खैरियत से रहिए। अस्सलाम वालेकुम, बाय। ये मेरा गुंगा है, देखो इसने भी खाना खाया है, इसका पेट फुल हो गया है, चिकन खूब सारा खाया है। जब ये खाना खाता है तो इसे बहुत लाड़ आता है। एक शेर है हमारे घर का, शेर जैसा भी इसको लाड़ करो, प्यार करो, कुछ भी करो, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। जैसे कितना प्यारा बिल्ला है मेरा, ये कितना शोना है। अभी इसने रात में बहुत मार खाया, मेरे एक बिल्ली ने इसको बहुत मारा, इसकी बहुत पिटाई हुई है, लेकिन बेचारा फिर भी कुछ नहीं बोलता, इतना सीधा है ना, ये कुछ बोलता है ना, ये मारा मारी करता है, बस इसको खाना दे तो ये चुपचाप से पड़े रहते हैं। ये मेरा सबसे सीधा बच्चा है, इसका नाम गूंगा है, गूंगा, क्योंकि हम भी ये ज़्यादा बात नहीं करता है। देखिए कितना प्यारा सा बाबू है मेरे लिए, ये मेरा लाड़ का बच्चा है। ये देखो देखो कितने अच्छे से फ़ोटो निकलवाता है, इसको सब पता है कि फ़ोटो निकाल रहे हैं, कितना शाना है ये। देखो इसको देखो। अभी इसको नींद आई है, इसका ये पेटला भर गया है ना, इसका ये पेट भर गया, ये भर गया, ये पेटू बाबा भर गया है इसका, तो ये सो जाएगा। अभी नींद आई है इसको, उसके और भी बच्चे डालू खेलता है ना उस पीने का। बनकर हाँ ऐसा सही
खेलते हैं ना वो वीडियो में।